फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान एंड थगेस। तुमने बेबिका को रोस्ट किया कैसे? कैसे किया तो किया, मेरे बिना कैसे किया? सॉरी बेबिका नहीं, बेबिका जी, जी फॉर जीनियस। उल्टा सीधा दिमाग नहीं चलना चाहिए, बेबिका के बारे में एक शब्द मत बोल देना उल्टा कुछ, समझे? बोटी 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 कर दूंगी बेबिका, मोटी बोटी आता हूँ। भागो भाई भागो, बेबिका बोटी नहीं, एक्चुअल में तुमने पोटी कर दी है। क्या जोक मारा है, वाह। तो आज हम बात करेंगे बेबी का धुरबे के बारे में। ये थी बिग बॉस के अंदर और अभी तक ये बिग बॉस के घर में ही है, मुझे तो ऐसा लगता है। ऊपर से डेंटिस्ट्री के साथ साथ आई एम आल्सो फुल टाइम एक्टर, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, नाउ आई एम टर्निंग अ सिंगर, आई एम आल्सो प्लानिंग टू यू नो डू अ बिजनेस वेंचर। बेबी का है फीमेल जॉनी सिंस और मेरी फैन बेस वेल एजुकेटेड, सिस्टमैटिक, समझदार, मैच्योर और बिग बॉस के सारी ऑर्गेनिक रियल फैन बेस है ना बिग बॉस। समझदार, इंटेलिजेंट। वैसे तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, लेकिन अगर ऐसा है तो बेबी का अपने फैन से कुछ सीख, थोड़ा समझदार तू भी बन। बेबी का तुम तो पतली हो गई हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि अभी मोटी की मोटी है। एंड उसकी वजह से मेरा नाम ही पड़ गया है द बोटी क्वीन। तो मैं जहाँ भी जाती थी सब पब्लिक कहीं मुझे रैंडमली देख लिया, अरे बोटी बोटी, अरे बोटी बोटी सब करने लगे। अरे बेबी का बोटी बोटी नहीं, मोटी मोटी चिल्लाते हैं वो। सही तो सुन तो लिया कर। मेरे साथ आप कितना भी लड़ लो, मेरे फैंस जाके आपको गालियाँ नहीं देंगे, क्योंकि मैंने फेक फॉलोअर्स खरीद रखे हैं और बोट्स किसी को जाके गाली नहीं देते। अभिषेक और मनीषा की बात कर रहे थे हम लोग, अभी उनसे मिलना चाहेंगे, अब मुलाकात होगी तो आप मिलना चाहेंगे? बिल्कुल, वैसी पर्सनालिटी से मिलना तो दूर, मैंने उनकी उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना भी जरूरी नहीं समझा और वो दोनों हर जगह ब्लॉक्ड है। ए, 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 ज्ञान दे दूंगी बहुत सारा। अगर कोई तेरे फोन से ब्लॉक है तो उसे जिंदगी से भी करना, उसके बारे इंटरव्यू में आके बात क्यों कर रही है? और तेरे ब्लॉक करने से किसी का खर्चा पानी बंद नहीं हो रहा है, ऐसे तो मैं एक से एक बड़े इंसान को ब्लॉक करके बैठ जाऊँ। इवन इन दुबई इट्स वेरी एस्टोनिशिंग, आई हैव सो मेनी एनआरआई फैन्स यार, मेरी इंडियन मास क्राउड से ज्यादा तो एनआरआई फैन बेस। ओहो एनआरआई फैन बेस, हमें नेपाल पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को एनआरआई नहीं कहते, अपने ही लोग है वो। बेबिका के गाने बोटी बोटी के ऊपर जब इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा तो बेबिका ने कहा, एंड इट्स बीन शॉट इन दुबई, इंडिया में शूटिंग नहीं करवाई मैंने। इंडिया में वही बेसिक फॉर्मेट में यार, जो सब कर रहे हो हम क्यों करें? हाँ, दुबई तो आज से पहले कोई गया ही नहीं है। अबे टिकटॉकरों का दूसरा माइका है वो, हर दूसरा इन्फ्लुएंसर हर दूसरे दिन दुबई जाके बैठ जाता है और ये कह रही है मुझे कुछ अलग करना था। वही बेसिक फॉर्मेट में यार, जो सब कर रहे हो हम क्यों करें? तो बेबिका सबकी तरह नहीं है ना, मैं भीड़ में भेड़ नहीं हूँ ना, मैं तो भेड़िया हूँ ना। तो ये भेड़िया बौखला गया, इसके चार डंडे मार के इसे शांत करो, कोई इसे जू के अंदर ले जाके डालो। इंडिया में नहीं, कुछ अलग करते हैं दुबई ले जाके डाल देते हैं। दुबई इसलिए क्योंकि इंडिया के जानवरों को मैं परेशान होता हुआ देखना नहीं चाहता। सो ट्रिगर्ड इंसान ने 10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर थे 9 मिलियन व्यूज। थगेज ने वीडियो बनाया उसके ऊपर 3 मिलियन व्यूज। तो व्यूज तो बट रहे हैं, देखो भाई बेबिका के नाम पे, सॉरी बेबिका को जलील करने के नाम पे। ओके गाइस, बेबिका का गाना सुनेंगे। ये आहा कास कास, बेबिका को भी इसी तरीके से बांधा होता है इसके घर वालों ने जिस टाइम पे बिग बॉस में जा रही थी। अरे चलो बिग बॉस में चली गई वो तब नहीं बांधा, अब तो बांध सकते हो इसे, नहीं एटलीस्ट इसकी जवान तो बांध सकते हो। हे लिसन अप, मेरी बातों पे ध्यान दे लो, अच्छा सारे मेरे बारे थोड़ा ज्ञान ले लो। गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं गाना हैंडल कर सकता हूँ क्योंकि इससे ही बुरी बुरी चीजें हमने सुनी है पास्ट में, लेकिन मैं इसके एक्सप्रेशन बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकता। भाई निकी मिनाज बनना चाह रही है। प्याज लग रही है निकी, वो भी बहुत अजीब सा खाने के बाद गंदी गंदी। मुझे पोटी भी पोटी सुनाई दे रहा है, बताऊं तो तुम्हें मैं पोटी पोटी कर दूंगी। भाई इस गाने से कोई खुश होना हो, लेकिन टोनी कक्कर और नेहा कक्कर बहुत ज्यादा होंगे कि भाई इस साल कुछ महीने हमें गालियां नहीं पड़ेंगी। रहना थोड़ा हट बच के, क्योंकि पापा की परिनी मैं बापू की शेरनी। बापू कौन से बापू? अरे ले महात्मा गांधी को के बीच में ला रही है, हैं? दोस्तों शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जब देश आजाद करने की बारी आई थी तब बेबिका को ही अंग्रेजों पे छोड़ा गया था, आधा देश इसी की वजह से आजाद हुआ है। जिस टाइम पे बापू आंदोलन कर रहे थे उस टाइम पे बेबिका जंग लड़ रही थी मूली के पराठे खा खा के। बना
पर नॉल भी मल दूं मेरे कहाँ कहाँ मल ली है बरनोल बुंड आपकी बुंड बहुत खूबसूरत लगी है मुझे, ये तो वेरी नाइस बुंड है। कर्म का खुद को मैं फल दूँ। हाँ, क्योंकि जिस तरह के तुम्हारे कर्म है ना, भगवान फल देने चढ़ाता तो मैं तो तुम्हें खुद ही देने पड़ेंगे खुद को फल। और बेबी का, तुम्हारे हेटर्स को बरनोल की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है एक बालकनी की, जिससे कि वो वहां से कूद जाएं। मैं इसके ऊपर टाइम क्यों खराब कर रहे हो, कहीं और जगह लगा लो, हेट करने पे भी मत करो खराब। ये वॉक कहीं ना कहीं देखी देखी लग रही है गाइस। पहली बार इतनी सारी लड़कियों के बीच में ना मेन करेक्टर को छोड़कर सब अच्छे लग रहे हैं। गाना हमने बहुत देख लिया, अब हम देखेंगे बेबिका की इंस्टाग्राम रील्स। डॉक्टर, एक्टर, एस्ट्रोलॉजर, बाय द वे हमारे यहाँ ऐसे तीन चार काम करने वाले को ना बेरोजगार कह देते हैं कि फालतू की हवा बाजी मार रहा। और डॉक्टर तो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट लोग खुद को डॉक्टर बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। भीड़ की भेड़ नहीं, भीड़ की भेड़िया हूँ। अरे तुम तो बापू की शेरनी हो, पापा की परिनी। उम्मीद हम फिल्मों वाले प्यार की करते हैं और मिलता है हमें क्राइम पेट्रोल वाला। अरे बेबी का, उम्मीद तो तेरे पेशेंट भी एक बहुत अच्छे ट्रीटमेंट की करता है, लेकिन उन्हें मिलता क्या है, तू वो भी रील्स बनाते हुए। अभी तो रुक जाओ, 10-7 रील ने अपने हॉस्पिटल में बना रखी होगी, क्लिनिक में, डेंटिस्ट लोगों का हॉस्पिटल नहीं होता। एक बात बतायो यार, छिपकली दीवार पे क्यों चलती है, हम भी तो जमीन पे चलते हैं, उसने कुछ बोला। छिपकली दीवार पे इसलिए चलती है क्योंकि जमीन पे चलती है बेबी का, और बेबी का सारी जगह घेर लेती है, तो इसलिए छिपकली चलती है दीवार पे। अच्छा, बेबी का को मनीषा फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, और भी 10-15 लोगों से ही सिर्फ दिक्कत नहीं है, बेबी का को छिपकली से भी दिक्कत हो रही है, नहीं बेबी का के दोस्त को। वैसे छिपकली से भी ज्यादा डरावना क्रीचर मिल गया है बेबी का। भाई जान जी, क्या आप घर के जिम्मेदार बच्चे हैं? जी जी बिल्कुल। कितने जिम्मेदार हैं? बहुत जिम्मेदार हूं। बच्चे जिम्मेदार होंगे लेकिन डेंटिस्ट जिम्मेदार नहीं लग रहे हो तुम मुझे, वो के दाण दांत बनाने से ज्यादा तुम रीले बना रहे हो अपने क्लिनिक में, और बेबी का फिल्टर लगाने के बाद मेकअप लगाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर थोड़ा कम भी क्लिनिक के अंदर लगा के बैठोगी तो बढ़िया है, नहीं बढ़िया नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो फिल्टर काम कर देता, लेकिन रियल लाइफ में तो मेकअप ही काम करेगा ना। इतना जिम्मेदार हूँ कि घर में कोई भी मसला होता है तो उसका जिम्मेदार मैं ही होता। आप इतनी प्यारी और खूबसूरत हो, आप कितने अंधे हो। नहीं यार, मतलब अच्छा है, बुरी मैं बुरा नहीं बोल रहा भाई, बढ़िया बेबी का यार, और भयंकर भाई 4-5 कमेंट कर रखा है इस लड़के ने। बेबी का सही बात है, तेरा दूसरा अकाउंट है ना, फ्रेंड ने खराब फोटो खींच के औकात दिखा दी। फ्रेंड ने फोटो सही खींची, लेकिन जिसकी खींची उसकी शक्ल ने उसकी औकात दिखा दी उसने। बेबी का, आप हॉस्पिटल में क्या कर रही हो यार, बेबी का क्यूट लग रहे हो। अबे तू थोड़ा सा बहन का फिर नहीं को पता है, गलती उसकी है, पर शेर क्या उखाड़ लेगा। क्या एक्सप्रेशन देती है यार बेबी का जी, मेरा तो दिल निकला जा रहा है मेरे सीने से। करा और नहीं जीना है, करा और नहीं जीना है। प्लीज ट्राई टू अपलोड गुड वीडियो विच प्रोवाइड सम नॉलेज। इसके पास खुद दिमाग हो तब शेयर करेगी नॉलेज वाली वीडियो। मैंने कुछ नहीं बोला भाई इस चीज में, मैंने कमेंट पढ़ा बस। बढ़िया भाई, दिमाग होगा तभी तो डॉक्टर सॉरी डेंटिस्ट बनी है। क्यों हंस रहा हूँ, पागलों की तरह हंसने की बात नहीं है। सो गाइस वीडियो देरी खत्म करता है, अगर तुम्हें वीडियो देख के मजा आया तो लाइक जरूर करनी है, कमेंट कर देना एक अगर मजा आया है तो, इसी तरह की वीडियो चाहिए तो फुल एनर्जी वाली। बेबी का अगला रोस्ट भी आ रहा है।